एक महीना में, दो महीना में, पांच महीना में, दस महीना में वैक्सीनेशन ड्रॉप्स, इसके नाम पे मान्यवर मेनका गांधी, मेनका गांधी है ना बीजेपी वाले, क्या है पशु पक्षी बचाने वाले, मैं बीजेपी का नाम नहीं लेता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, साफ बोलता हूँ, मैं ना फूल वाला हूँ, ना चाप हाथ वाला हूँ, ना किसी और कंपनी का हूँ, मैं राजनीति से कोसो दूर रहता हूँ। वो एक अच्छा काम कर रही है मेनका गांधी, जीव जंतु बचाने का काम कर रही है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस दायर किए हैं, और इसके तहत हम लोग, अगर आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो एंटी वैक्सीनेशन ड्रॉप हम लोग देते हैं, हर बच्चे को ड्रॉप दे देंगे, कोई बीमारी बीमारी जो जो नाम लेके जो लोगों को लूट रहे हैं ना, ये डाकू लोग उत्पन्न हो जाए, वो भी इस गौ माता से उत्पन्न किया गया, सिंगल ड्रॉप, पोलियो वोलियो ड्रॉप देने का जरूरत नहीं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, और मैं नहीं कर रहा हूं वो, पूरे भारतवर्ष में ये काम चल रहा है। तो माताएं, इस गौ माता का दुख तो सुनो, यही कहने आया, जो आपके आहार का आधार है, जल का आधार है, धर्म का आधार है, भक्ति मुक्ति का आधार है, जीवन का आधार है, आपके बच्चों का भविष्य का आधार है, शक्ति मुक्ति भक्ति का आधार है, जन्म से लेके मृत्यु तक का आधार है, मृत्यु के बाद तक का आधार है, जन्म होने का आधार है, इस विश्व ब्रह्मांड के ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग से बचाने वाली गौ माता, कैंसर नहीं होने के लिए देने का ताकत देने वाली गौ माता, सिकलिंग जैसे बीमारी से बचाने वाली गौ माता, आपके चेहरा में सुंदरता और ऊर्जा देने वाली गौ माता, याद रखना, मुंह में कितना भी फेरन लवली या पाउडर सुनो प्लस लगा लो, सुंदर नहीं बनोगे, सुंदर तो तभी होता है जब अंदर का ऊर्जा, ताकत, आप देखते क्या हो किसके अंदर ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, ये गौ माता उसका आधार है, और आज उस गौ माता के ऊपर भयंकर अत्याचार है। जिस गौ माता का बात कहने आया हूं ना, आज गौ माता है नहीं, मैं देख रहा था वहां 100 भैंस के अंदर एक गौ बंधी हुई, वो भी हालत खराब, रास्ते पे गाय पॉलिथीन और ये कचड़ा खा रही है, आप अपने हाथों से पॉलिथीन या झिल्ली के थल्ली में घर का छिलका सब्जी सब लेके फेंक देते हो, भूखे प्यासे बेचारी मेरी गौ माता क्या करे जब खाना नहीं मिले, उस थैली को खाती है और वो मरती है, और गो हत्या का दोष आप माताओं के सर पे चला जाता है, घर का सब्जी बच गया थैली में भरते हो और फेंक देते हो, गो माता भूख के मारे बेचारी खाती है और मरती है, गो हत्या का दोष आपके सर पे चढ़ जाता है, मेरे गौ को बचाओ, घर घर में गाय पालन हो, आप निकलो, बोले आप हमें क्यों बोलने आए हो,